नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर सफलता मिली, वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर सफलता मिली। अब समाजवादी पार्टी की कोशिश है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। अब 2027 से पहले समाजवादी पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ओर से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि सपा के जो कोर वोटर हैं उनका नाम या तो काट दिया जाए, सपा के जो वोटर बन चुके हैं उनके समाज के लोगों को बीएलओ पद से, कर्मचारी पद से, अधिकारी पद से हटा दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आई है, सपा अब उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियों में ऐसे तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने जा रही है, लाने जा रही है, जो पीडीए समाज से आते हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। विधानसभा के चुनाव से पहले आप देखेंगे, 27 तो दूर है, कुछ दिनों में ही आप देखेंगे, धीरे धीरे आप देख भी रहे होंगे, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं नेता, तमाम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपना काम आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए श्याम लाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो उदयवीर सिंह हैं या अखिलेश यादव खुद हैं, उनके यहाँ तमाम बायोडाटा इकट्ठा किया जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। केवल उन्हीं नेताओं को सपा अपनी पार्टी में लेगी जिन नेताओं की छवि अच्छी होगी। जो नेता जनाधार वाले होंगे, खासकर पीडीए से होंगे, तो खबर क्या है, दिनेश पटेल नामक ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया हुआ है। मैं सपा के एक बड़े नेता से आज बात कर रहा था तो बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त हुई है भाइयों। अपडेट यह है, सपा लखनऊ में सपा कार्यालय में टोटल 160 फाइल उन नेताओं की आ गई है जो सपा में शामिल होंगे 2027 से पहले। 107 नेताओं की फाइल आ चुकी है। फिलहाल इन 107 नेताओं में 89 नेता पीडीए समाज से हैं। सपा आलाकमान इन नेताओं की कुंडली खंगाल रहा है और कुंडली खंगाने का आदेश सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ साफ बता दिया है। ऐसे नेता बेदाग होने चाहिए, साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। आने वाले समय में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता बीजेपी से टूट करके शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो टिकट सपा देगी ही, उनमें से भी कुछ लोगों को दे सकती है, ज़्यादा नहीं, कुछ मजबूत लोगों को दे सकती है, एक माहौल बनाने के लिए कि भाजपा को छोड़ छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारे नेता आ रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। बाकी इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। 2027 में किसकी सरकार बनेगी, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।